हेलो बच्चों, आज रेडियो एक्टिविटी के फोर्थ पार्ट में हम आपसे बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। तो ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिलाकर तीन तरह के रिएक्शन होते हैं, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और ये तीसरे तरह के आज हमें पढ़ने हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि या तो एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है या दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। ये सब होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्या होता है ना बच्चों, ये स्टेबिलिटी का ग्राफ होता है। यहां पे हम लिख लेते हैं स्टेबिलिटी और यहां लिख लेते हैं मास नंबर, है ना, यानी कितना हैवी या कितना लाइट है। तो स्टेबिलिटी ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होता है, जो यहां मास नंबर चल रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 20, 20, 21, 22 ऐसे चलते 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 आगे बढ़ा और यहां मान लो आ गया 140 करीब। तो बच्चों आप देख रहे हैं जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इन मास नंबर के लिए है। इनसे ज्यादा जो बहुत ही हैवी, जो बहुत ही हैवी न्यूक्लियस हैं, वो बच्चों इतने स्टेबल नहीं है। कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। इसी तरह से ये वाले न्यूक्लियस जो कि कैसे है, मास नंबर कम है, मतलब जो बहुत ही लाइट न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल है, इतने स्टेबल नहीं है। और बीच वाले न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल है, जिनका मास नंबर कुछ इस रेंज में है। एक्चुअल बात करें तो मास नंबर 50 से अप्रोक्सीमेटली 140 तक बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो होता क्या है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है इस तरफ का, तो ये टूट कर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बना लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, कि जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाए। क्यों हुआ ये? स्टेबिलिटी के लिए। हैवी न्यूक्लियस कैसा था? अनस्टेबल। यहां से एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूटा और यहां जाकर क्या बना लिया? दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो कि ज्यादा स्टेबल है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस बना लिया। इसी तरह से सोचिए, इस तरफ दो लाइट न्यूक्लियाई थे, यहां पे दो बहुत छोटे लाइट न्यूक्लियाई थे, ये कैसे होंगे? अनस्टेबल। तो ये आपस में कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। इस तरफ के जो न्यूक्लियस हैं वो कैसे हैं? अनस्टेबल, लाइट वाले। ये आपस में कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल हो कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना ले जो बीच में आ जाए, जिसका मास नंबर थोड़ा ज्यादा हो, स्टेबल हो, उसको बोलते हैं फ्यूजन। और जब एक बड़ा वाला टूट के तो छोटे छोटे बना लेते हैं उसको फिजन। मतलब सब यहां आना चाहते हैं, हैवी भी यहां आना चाहते हैं, लाइट भी यहां। लाइट यहां कैसे आएंगे? कंबाइन करके। हैवी यहां कैसे आएंगे? टूट कर। तो दो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, फिजन और फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन रिएक्शन में एक अजीब सा फिनोमेना हो रहा था और वो था मास इज नॉट कंजर्व। अभी तक हमारे पास, आज तक ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देखा हमने केमिस्ट्री में जिसमें मास कंजर्व ना हो। कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, बट इन रिएक्शंस में, न्यूक्लियर फिजन में या न्यूक्लियर फ्यूजन में, मास इज नॉट कंजर्व। हो क्या रहा था बच्चों, हम देख रहे थे सम मास डिसअपीयर्स, ठीक है, कुछ मास क्या हो जा रहा है? डिसअपीयर हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। हमने 100 ग्राम मास लिया और जब रिएक्टेंट बना तो मास कम हो गया। तो इन न्यूक्लियर फिजन में या फ्यूजन में मास इज नॉट कंजर्व। तो बच्चों मास कैसे नहीं कंजर्व होता और उसके लिए हम क्या करें, ये हम अब देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि मास कंजर्व क्यों नहीं रहता और क्या होता है। तो फिजन और फ्यूजन का बेसिक आपको बताया हमने। फिजन में क्या होगा? फिजन में एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाएगा। फ्यूजन में फ्यूज करना, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो बच्चों मास कहां गया? मास कंजर्व नहीं था। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनका मास ज्यादा होता है कंपेयर टू प्रोडक्ट से, ठीक है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट से ज्यादा, मतलब इस तरफ से ऐसे रिएक्शन इधर से इधर जाता है, इस तरफ का मास कम, इस तरफ का मास ज्यादा। जैसे मान लो रिएक्टेंट है 100 ग्राम तो हमने प्रोडक्ट का मास लिया, प्रोडक्ट का मास 99.9 ग्राम। तो हमने देखा यहां से यहां तक सम मास इज डिस्ट्रॉयड, कुछ मास इसमें खत्म हो जाता है
ऑल्दो एक फिजिक्स के टीचर को डिस्ट्रॉयड वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि हम लोग अभी 10th क्लास के लेवल पे हैं तो ये बात चल जाएगी। तो सम मास इज डिस्ट्रॉयड, अब ये मास कहां गया? तो हम लोग को ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन ने बता रखा था कि भाई आइंस्टीन की इक्वेशन है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आइंस्टीन ने हमसे बच्चों ये बोल रखा है कि मास और एनर्जी एक ही चीज है। अभी तक हम समझते थे कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट आइंस्टीन ने बोला मास कैन बी चेंज टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी चेंज टू मास। तो यहां से यहां जाते वक्त जो मास डिस्ट्रॉय हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया? दिस मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। ठीक है, हमारे ही चैनल पे एक वीडियो है रियल मीनिंग ऑफ ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है कितनी एनर्जी बनी, एनर्जी बनती है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इसका एक वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, उसको देखिएगा तो और डेप्थ में नॉलेज मिलेगा, अभी उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, अभी बाहर बाहर से बात करते हैं। तो E बच्चों होती है एनर्जी, M बच्चों होता है मास, और C क्या होता है बच्चों? C होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों हम ऐसा देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम देख रहे हैं कि जो भी मास गायब होगा वो किस फॉर्म में आएगा? एनर्जी। कितनी एनर्जी बनेगी? जो मास गायब हुआ है यहां पे रख दो मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। यहां पे कौन सा मास लिखना है? जो मास डिस्ट्रॉय हो गया है, सिर्फ वो लिखना है जो मास गायब हो गया, जो मास डिसअपीयर हो गया है। तो ये आइंस्टीन ने हमको रिलेशन दे रखा है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और यहां से जो मास कम हो रहा है किसमें चेंज हो गया? एनर्जी। तो किसी भी न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन रिएक्शन में हम ये चीज देखेंगे कि रिएक्टेंट का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम हो गया, कुछ मास गायब हो गया चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन, और वो मास किसमें चेंज हो गया? एनर्जी में। तो पहले इस इक्वेशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, हमसे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया कि 1 kg मास से कितनी एनर्जी बनेगी, 1 kg मास से कितनी एनर्जी बनेगी, हमसे क्वेश्चन पूछा, तो हम बोलेंगे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे 1 kg रख दिया, C की जगह 3×10⁸ का होल स्क्वायर। अच्छा, अब बच्चों एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल्स, क्योंकि एसआई यूनिट में बात कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁶ जूल्स। तो अगर हमारे पास कहीं पे 1 kg मास है, जैसे आप मेरे पास पॉलिथीन भर के 1 kg आटा लेके आ गए, फ्लोर लेके आ गए, तो 1 kg आटे से हम इतनी एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर 1 kg आटा पूरी तरह से गायब हो जाए, जबकि अभी तक हम पढ़ते थे मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पर आइंस्टीन ने हमें बताया मास कैन बी चेंज टू एनर्जी, एनर्जी कैन बी चेंज टू मास। हम और आप हैं क्या मास? नहीं, हम और आप मास नहीं, हम और आप एनर्जी हैं, वी ऑल आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने ये बोल दिया मास इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल वीडियो है रियल मीनिंग ऑफ E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो उसमें बहुत ज्यादा चीज बताई है, अभी शॉर्ट में चल रहे हैं। तो 1 kg से कितनी एनर्जी मिलती है हमको? 9×10⁶ जूल। तो यहां लिख लेते हैं कि 1 kg की कितनी एनर्जी है? 9×10⁶ जूल। इसी तरह से एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि 1 amu में कितनी एनर्जी है, 1 amu का मास अगर खत्म होगा तो कितनी एनर्जी आएगी, और बोलता है कि एनर्जी का आंसर आप दीजिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में नहीं दीजिए, किसमें दीजिए? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने बोला E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, मास की जगह रखा 1 amu, और C की जगह स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ का होल स्क्वायर। अब 1 amu को kg में कन्वर्ट करो तो होगा 1.672×10⁻²⁷ kg मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये आंसर जूल्स में आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमने kg में कन्वर्ट कर लिया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आंसर किसमें आ रहा है? जूल्स में। पर आंसर मांग रहे हैं किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे कन्वर्ट होगा? देखो बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6×10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, अब आपको जूल है ये किसमें है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया? जूल। आपको जूल से जाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करें? इसको डिवाइड कर दें, इतने जूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक जूल में डिवाइड करके। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे बच्चों 1.6×10⁻¹⁹, अब आंसर किसमें हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो 1 mega electron volt बच्चों होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन, मेगा क्या होता है? 10⁶। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? 10⁻⁶। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने मेगा हो जाएंगे?
ये इधर चला जाएगा ना 10 की पावर माइनस 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया 10 की पावर माइनस 6, अब आंसर किसमें आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन कैलकुलेशंस को हम करेंगे और फाइनल आंसर हमको मिलेगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है, 1 केजी से इतना जूल और बच्चों 1 एएमयू से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे लिख रहा हूं 1 एएमयू मास अगर डिस्ट्रॉय होता है तो कितनी एनर्जी मिलेगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप लर्न कर लेंगे कि अगर 1 एएमयू मास खत्म होगा तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी मिलती है। तो ये तरीका हो गया बच्चों कैलकुलेशन का कि मास डिस्ट्रॉय हुआ तो कितनी एनर्जी बनी। वापस पहुंचते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन मैं साइड में फिर से लिख देता हूं, 1 एएमयू से कितनी एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फिजन। तो बच्चों न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है, और ऐसा क्यों होता है, टू अटेन स्टेबिलिटी। इस प्रोसेस में क्या होता है, यहां से यहां जाते जाते सम मास इज डिस्ट्रॉयड, और ये मास बच्चों डिस्ट्रॉय होके किसमें चेंज हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस तरफ से कुछ मास आते आते इस तरफ कम हो जाता है और वो मास किसमें चेंज हो जाता है, एनर्जी में। इसका बच्चों बुक में एक एग्जाम्पल दिया रहता है, उस एग्जाम्पल को हम पूरा समझाएंगे, पर इक्वेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नेचर में बहुत ढेर सारे न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन है, आपको याद नहीं करना। एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियस बनाता है, क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए। बड़ा न्यूक्लियस अनस्टेबल, थोड़े छोटे स्टेबल, और क्या निकलती है, एनर्जी। क्यों निकली एनर्जी, क्योंकि मास डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ मास गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमारे पास यूरेनियम का एक आइसोटोप है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235। ये अपने आप नहीं टूटेगा, ये याद रखिए, अपने आप नहीं टूटेगा, मतलब फिजन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। क्या नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। इस फ्यूजन का प्रोसेस या फ्यूजन का प्रोसेस, फिशन या फ्यूजन, दोनों ही अपने आप नहीं होते, दीज आर नॉट स्पॉन्टेनियस, इसको कराना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन डाल देते हैं, चार्ज जीरो मास वन, चार्ज जीरो मास वन, तो भाई क्या बन जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा 236 और ये कितना रह जाएगा 92। देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे पास ये एक यूरेनियम का न्यूक्लियस था, इसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे मिलाकर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के कितने थे 235। इसके अंदर आपने क्या हिट किया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एक न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर हमने एक न्यूट्रॉन मार दिया, ये न्यूट्रॉन इसके अंदर मार दिया हमने। अब ये न्यूट्रॉन इसके अंदर गया और इसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आया। ये न्यूट्रॉन बाहर से आया, ये आने वाला न्यूट्रॉन अंदर आके इसको ऐसे मारेगा, ए अंदर घुसेगा से फटाक 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 फटाक, इसको थोड़ा फैलाने लगेगा। तो न्यूट्रॉन जो आता है ये इसको मार के अंदर फैलाना स्टार्ट करता है। अब अंदर सम कितना हो जाएगा 236 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, पहले 235 थे, नया न्यूट्रॉन आते ही कितना हो गया 236, ये बन गया। अब ये जो बच्चों होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, ध्यान दीजिएगा कि अपने आप यूरेनियम का न्यूक्लियस नहीं ब्रेक करता, उसमें एक बाहर से न्यूट्रॉन डालना पड़ता है। ये बाहर वाला न्यूट्रॉन अंदर जाता है और इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देता है और ये कैसा हो जाता है, अनस्टेबल। अब ये ब्रेक करना चाहेगा, होता क्या है कि ये न्यूट्रॉन अंदर आके इसको ऐसे मार मार के ऐसे फैला देता है, लाइक दिस इसको फैला के रख दिया। अब ये कैसा हो गया, हाईली अनस्टेबल। अब ये यहां से बीच से ब्रेक करके दो न्यूक्लियाई बना लेगा, तो ये ब्रेक किया। और बुक में जो एग्जांपल दिया रहता है वो ये दिया रहता है कि क्रिप्टन बनेगा और बेरियम बनेगा और तीन और न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है, क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36, बेरियम एटॉमिक नंबर 56, क्रिप्टन मास नंबर 94, बेरियम मास नंबर 139। अब आप बोलोगे सर यही क्यों निकला और ऐसा ही क्यों लिखा, आप कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ कोई भी दो लाइटर न्यूक्लियाई निकाल सकते थे और यहाँ कितने भी न्यूट्रॉन निकाल सकते थे, पर जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा गया ये रिएक्शन काफी ज्यादा बार हो रहा है। देखो फिजन और फ्यूजन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करने का कोई हमारे पास मेथड नहीं है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये अपने आप में बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करते हैं, इसको हम लोग फिजिक्स में आगे पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि इंसान को सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस देना नहीं चाहता, इसलिए तो इंसान सुपर पावर नहीं बन पाया, इसलिए तो गॉड का एग्जिस्टेंस बचा हुआ है। तो इसी वजह से हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सी रिएक्शन लिखनी चाहिए, बट जो होती है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन उसमें से एक रिएक्शन हमने लिखी है, क्रिप्टन निकला, बेरियम निकला और न्यूट्रॉन। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, जरूरी नहीं यही रिएक्शन हो, मैंने पूरा रीजन समझा दिया आपको। तो क्रिप्टन, बेरियम और तीन न्यूट्रॉन, बस आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहां पे 236,
तो इनको 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 जोड़ के 236 आ जाए, सबको सम करके देख लो एक बार। चलो देखते हैं, 94 प्लस 139, ऊपर ऊपर का जोड़ रहे हैं 94, इसको साफ साफ लिखा जाए 139, और यहां 3 1 3, इन सबको जोड़ लो 3 4 7 9 16 10 3 13 236, आ रहा है कि नहीं? तो बहुत बढ़िया। तो तीन न्यूट्रॉन इसलिए निकाले ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शन बैलेंस करते हैं वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस होती है। ये ऊपर वाला सब इधर का और इधर का जोड़ने पे सेम है, नीचे वाला इधर का जोड़ने पे, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। तो ये 92 36 56 और ये 0 36 56 और वो 0 6 6 12 4 5 92, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो एक सैंपल इक्वेशन मिल गई। अब ये हाईली अनस्टेबल टूट गया, यहां से टूट के एक क्रिप्टन बन गया, एक बेरियम बन गया, और साथ में क्या निकले? 3 न्यूट्रॉन निकले। तो ये बच्चों प्रोसेस था। प्रोसेस आपने देखा स्पॉन्टेनियस नहीं है फिशन का। फिशन में हो क्या रहा है, एक बड़ा न्यूक्लियस तोड़ के छोटे छोटे न्यूक्लियस बना रहा है टू गेन स्टेबिलिटी। अब इसमें बच्चों हमने देखा कि यहां का जो मास था वो मास ज्यादा था, मास ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कुछ मास गायब हो गया। ये मास रिएक्टेंट का, इसका मास ज्यादा था, इसका मास कम था। तो हम बोलते हैं सम मास हैज बीन डिस्ट्रॉयड और सम मास डिसअपीयर्स। तो इस रिएक्शन में कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया यहां से यहां आते वक्त, या कुछ मास डिसअपीयर हो गया। तो हमने पूछा कितना मास डिस्ट्रॉय या डिसअपीयर हुआ। तो हमने देखा कि बच्चों इन वन फिजन, इसको भी आपको याद नहीं करना है, 0.20 amu मास डिस्ट्रॉय हुआ, 0.20 amu मास डिस्ट्रॉय। एक न्यूक्लियस, यूरेनियम का एक न्यूक्लियस बच्चों कितना बड़ा होता है? इतना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है एक न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस का फिजन हुआ तो 0.20 amu मास डिस्ट्रॉय या डिसअपीयर, गायब हो गया। इसका मास इससे कितना ज्यादा है? 0.20 amu। अच्छा बच्चों, तो ये मास किस फॉर्म में दिखेगा? दिस मास डिस्ट्रॉयड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कितनी एनर्जी बनी? E = mc². अब चाहो तो फॉर्मूले में 0.20 amu रखो, स्पीड ऑफ लाइट रखो, amu को kg में चेंज करो, क्योंकि जितना मास गायब हुआ है किस फॉर्म में दिखेगा? एनर्जी। तो मास की जगह 0.20 amu, उसको kg में चेंज, या तो शॉर्ट ट्रिक ये लिखा है 1 amu कितना होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे कितना है? 0.20। तो 1 amu से 931, तो 0.20 into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 amu गायब होता तो कितनी एनर्जी? इतना गायब हुआ तो कितनी एनर्जी? आइए देख ले कितना आएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 9s are 18, करीब करीब 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 190 लिख लेते हैं। तो 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी एक न्यूक्लियाई के फिजन से। एक न्यूक्लियाई इतना बड़ा, मतलब मेरे पास अगर मुट्ठी भर न्यूक्लियस हो, मुट्ठी भर न्यूक्लियस, तो कितनी सारी एनर्जी मिल जाएगी? बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। तो ये फिजन का प्रोसेस बहुत ढेर सारी रिएक्शन एनर्जी देता है, यही इनकी खास बात है कि एक न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेशन, इसको डिसइंटीग्रेट टूट जाने से कितनी एनर्जी मिली? 190 मेगा, क्योंकि मास गायब कितना हुआ? 0.20। तो कितनी एनर्जी मिली? 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियाई से। सोचोगे तुम्हारे पास पन्नी भर की यूरेनियम का न्यूक्लियस हो, कितनी एनर्जी बन जाएगी? बहुत सारी एनर्जी बन जाएगी बच्चों। तो इसीलिए इस फिजन को हम यूज करते हैं, दे गिव वेरी हाई एनर्जी। और इसीलिए इस हाई एनर्जी को हम दो तरह से यूज करते हैं, एक हमारे एडवांटेज में और एक हमारे डिसएडवांटेज में। तो डिसएडवांटेज में हम क्यों यूज करते हैं बात करेंगे। एडवांटेज यूज करते हैं हम पावर प्लांट में। पावर प्लांट में किस लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो भारत में 6 पावर प्लांट इसके लगाए जा चुके हैं। हमारे पास 6 स्टेट्स में ऐसे पावर प्लांट हैं जहां पे हम मास को कन्वर्ट करते हैं किसमें? एनर्जी में। इतना सा मास गायब हुआ, इतनी सारी एनर्जी मिली। एक न्यूक्लियाई यूरेनियम का गायब हुआ 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सोचो एक पन्नी भर की यूरेनियम गायब कर दे तो पूरे शहर की बिजली आ जाए, कितनी अच्छी बात है। इसको हम इंडिया में यूज कर रहे हैं, पर बुरी बात यह है कि इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से सिर्फ 3% एनर्जी न्यूक्लियर पावर पे डिपेंड करती है ना। ये तो बहुत ही दुख की बात है, अभी हम लोग इतना एडवांस नहीं हो पाए। जैसे आप कंपेयर करो जापान, तो जापान इसमें बहुत एडवांस हो गया है। जापान अपनी 30% इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिजन प्रोसेस से निकाल रहा है। थोड़ा सा सेफ्टी एफ्टी का प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, इसीलिए हम इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम सिर्फ 3% निकाल पा रहे। एनीवेज बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज इसका क्या है बच्चों? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एटम बॉम्ब। सीरियस टॉपिक, बहुत बुरी चीज है एटम बॉम्ब। इसको
कंट्रीज यूज करती हैं डिस्ट्रक्शन के लिए. क्यों यूज हुआ? इतनी ढेर सारी एनर्जी, इतनी ढेर सारी एनर्जी अगर निकलती जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा. तो न्यूक्लियर फिशन कैन बी यूज फॉर एडवांटेज फॉर पावर प्लांट एंड डिसएडवांटेज फॉर एटम बॉम्ब. ठीक है, तो कैसे दोनों जगह यूज कर सकते हैं थोड़ी देर उसकी भी बात करते हैं. पहले रिएक्शन ध्यान से देखिए कि यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन से दो न्यूक्लियाई बनते हैं और तीन न्यूट्रॉन, और इसके लिए एक न्यूट्रॉन इसके अंदर डालना पड़ता है. वो न्यूट्रॉन अंदर जाएगा, इसको ऐसे ऐसे से मारेगा और ये दो न्यूक्लियाई में टूटेंगे और तीन नए न्यूट्रॉन देंगे. एडवांटेज पावर प्लांट और एटम बॉम्ब डिसएडवांटेज. और दोनों में ही प्रॉब्लम्स क्या है, दोनों ही में कैसे कैसे करते हैं थोड़ी देर में इसका डिस्कशन अभी अभी कर लेते हैं. थोड़ी देर में बस ठीक है, जल्दी जल्दी करके तो बात करते हैं. सबसे पहले किसकी, पावर प्लांट में, या पहले बात करते हैं आपसे हम चेन रिएक्शन की. तो बच्चों ये चेन रिएक्शन क्या चीज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ. चेन रिएक्शन क्या चीज होती है बच्चों? बच्चों चेन रिएक्शन में क्या होता है, मान लो हमारे पास ये एक यूरेनियम का रॉड है, यहां पर यूरेनियम का रॉड है. अच्छा, यूरेनियम के रॉड में कितने न्यूक्लियाई होंगे? करोड़ न्यूक्लियाई होंगे भाई, एक के बाद न्यूक्लियाई तो लगे हुए हैं. मान लो यहाँ एक न्यूक्लियाई है, इसको मैंने बोल दिया वन, या इसको बोल देते हैं एक्स, यहाँ एक न्यूक्लियाई, इसको बोल दिया वाई, यहाँ बोल दिया जेड. इस तरह की यहाँ लेयर्स, करोड़ों लेयर बनी होगी, न्यूक्लियाई बहुत छोटा था, बहुत सी लेयर बनी होगी. मान लो हमने एक्स में एक न्यूट्रॉन डाला, एक्स में एक न्यूट्रॉन डाला, तो एक्स का फिजन होगा. एक्स का फिजन होगा तो क्या बनेंगे, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई और तीन नए न्यूट्रॉन. दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई, एक्स है क्या, यूरेनियम है. एक्स है क्या, यूरेनियम है. एक्स में एक न्यूट्रॉन डाला, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई, तीन नए न्यूट्रॉन. तो यहां से तीन नए न्यूट्रॉन निकले, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन. ये न्यूट्रॉन चला गया इस वाली लेयर पे, वाई वाली लेयर पे, ये भी चला गया वाई वाली पे, ये भी चला गया वाई वाली पे. इस न्यूट्रॉन ने जैसे ही इस पे अटैक किया, अब ये वाई वाली लेयर भी किसकी है, यूरेनियम की. इस पे अटैक किया, इसमें जाएगा अंदर न्यूट्रॉन, इसको फैलाएगा, इसमें से दो नए न्यूक्लियाई और साथ में तीन नए न्यूट्रॉन. तो यहां से तीन नए न्यूट्रॉन निकले, यहां से भी तीन नए न्यूट्रॉन निकले, यहां से भी तीन नए न्यूट्रॉन निकले. अब ये आगे जाएगा, किसी एक को फिजन करेगा, ये भी फिजन, ये भी फिजन. इस तरह से आप देख रहे हैं फिजन रिएक्शन बढ़ता जा रहा है. हुआ क्या, एक यूरेनियम था, इस पे एक न्यूट्रॉन ने अटैक किया, कितने न्यूट्रॉन बन गए, एक दो तीन ना, एक फिजन में कितने न्यूट्रॉन निकल गए, तीन. अब ये जाएगा अगले यूरेनियम पे अटैक करेगा, और अटैक करते ही फिर फिजन होगा, इससे फिर तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे. ये जाएगा एक यूरेनियम पे अटैक करेगा, इससे तीन न्यूट्रॉन और निकलेंगे. ये जाएगा यूरेनियम पे अटैक करेगा, इससे तीन और निकलेंगे. फिर ये तीनों जाएंगे, तीन तीन और निकालेंगे. तो आप देख रहे हो कैसे बढ़ता जा रहा है, मल्टीपल्स ऑफ थ्री में बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से पावर ऑफ थ्री में बढ़ता जा रहा है. तो बहुत जल्दी ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन. होता क्या है, एक का डिसइंटीग्रेशन करो तो और न्यूट्रॉन बनते हैं, वो जाके आगे डिसइंटीग्रेशन करते हैं, फिर और न्यूट्रॉन बनते हैं, और ये पेयर प्रोसेस चेन रिएक्शन कहलाता है. अब बच्चों ये जो चेन रिएक्शन होता है, ये दो तरह का हो सकता है. दिस चेन रिएक्शन कैन बी ऑफ टू काइंड्स. फर्स्ट इज कंट्रोल्ड, वेरी गुड, कंट्रोल्ड है, सब कुछ बढ़िया है. दूसरा हो सकता है अनकंट्रोल्ड. तो बच्चों अनकंट्रोल्ड का एक एग्जांपल हो गया एटम बॉम्ब. एटम बॉम्ब में हम यही चेन रिएक्शन अनकंट्रोल लेवल पे कर देते हैं, या तो यूरेनियम 235 यूज कर लेते हैं, या तो प्लूटोनियम 239 यूज कर सकते हैं. दोनों ही एटम बॉम्ब बनाने के लिए बढ़िया एलिमेंट है ना, दोनों ही हमारे बढ़िया एलिमेंट है जो एटम बॉम्ब बनाते हैं. तो एटम बॉम्ब में होता क्या है कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, और एनर्जी पे एनर्जी रिलीज होती जाती है. भाई एक फिजन से कितनी एनर्जी निकली थी, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब सोच एक के बाद एक फिजन हो रहा है ना, 10-12 सेकंड के अंदर एकदम खतरनाक एनर्जी. तो ऐसा होता है, ऐसा होते 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 10 की पावर 7 केल्विन तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हीट हो जाती है ना. ऐसा हुआ था कहां पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी. साथ साथ क्या होता है, यूरेनियम वगैरह क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं ना, दीज आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव. तो ये प्रॉब्लम भी साथ में रहती है कि एक तरफ तो ये एनर्जी दे रहे हैं, एक तरफ अल्फा बीटा गामा दे रहे हैं, है ना. अल्फा बीटा गामा में से गामा इंसान के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है. अगर किसी तरह से इसको हम कंट्रोल कर दें, तो कंट्रोल करने का तरीका होता है कंट्रोल रॉड्स. कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं बच्चों, कंट्रोल रॉड्स बने होते हैं बोरॉन के या कैडमियम के, बोरॉन के या कैडमियम के. अब इनकी क्या पावर होती है, दे कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन. तो बहुत बढ़िया, तीन न्यूट्रॉन निकले उसमें से दो एब्जॉर्ब कर लो, एक को जाने दो, फिर तीन निकले फिर दो एब्जॉर्ब कर लो, एक को जाने दो. तो इस तरह से रिएक्शन कंट्रोल वे में होगा, तीन तीन में बढ़ेगा नहीं. सो अगर कंट्रोल रॉड लगा के हम रिएक्शन कंट्रोल यूज कर ले, तो कंट्रोल्ड तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं इन पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पर फिर भी बहुत लिमिटेशन है. आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, इंडिया में क्यों नहीं बन पा रहा, लगाओ कंट्रोल रॉड बनाओ. बच्चों बहुत सी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो बहुत सी प्रॉब्लम, जैसे फ्यूल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है.
हाँ हमारा फ्यूल क्या है भाई, किस चीज से एनर्जी निकाल रहे हो आप? यूरेनियम 235। इंडिया में कितना यूरेनियम 235 है? बहुत कम है। तुम इंडिया में एक जगह कहीं पे भी, एक तो हर जगह मिलते नहीं है फ्यूल, तुमने मान लो जहां मिलते हैं वहां जाके खुदाई की, यूरेनियम निकाला, मान लो तुमने 1000 ग्राम यूरेनियम निकाल लिया खुदाई करके, 1000 ग्राम यूरेनियम निकला, बेटा उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 ग्राम यूरेनियम मिलेगा 235, बाकी का बाकी सारा यूरेनियम मिलेगा 238, और 238 को हम फिजन के लिए यूज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम समझ रहे हो, है ना? बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर से बात बता रहे हैं कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है, जो रिएक्शन करने वाला है वो ये 235, और वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है। 1000 ग्राम खोदा निकाला किसी मुश्किल जगह में, मेटलर्जी का प्रोसेस, तो उसमें कंसेंट्रेशन, तो उसमें रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, और उसमें फिर उसके बाद फ्लोटेशन वगैरह किया, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन, रिफाइनिंग, और उसके बाद कितना मिला 1000 ग्राम करने के बाद 7 ग्राम। तो फ्यूल भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। ये सब प्रॉब्लम है कि इंडिया में इसको हम बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। साथ में दूसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चों? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी भाई साहब, ये जो यूरेनियम है ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। तो साथ में ये अल्फा बीटा गामा भी इमिट कर रहा है, एक और प्रॉब्लम है। अब जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनको रेडिएशन झेलनी पड़ेगी। कहीं कहीं से मान लो क्या करते हैं, जहां पे पावर प्लांट होता है अगल बगल से सीमेंट की दीवार बनाते हैं, सीमेंट एकदम बंद कर देते हैं ताकि अल्फा बीटा गामा बाहर ना निकल पाए, पर मान लो निकल गए तो कितनी परेशानी हो जाएगी। तो ये सब लिमिटेशंस हमारे ऊपर है कि किसी तरह से हम इसको बना। और अच्छा कोई और इसके सिवा मान लो कभी कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन काम नहीं किया, बोरॉन कारॉन टूट गया, मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। दैट्स व्हाई इसका कंट्रोल चेन रिएक्शन इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। अनकंट्रोल्ड तो बुरा ही है, एटम बम बन गया, बट वी आर वेरी श्योर कि फ्यूचर में न्यूक्लियर फिजन हमें बहुत एनर्जी देने वाला है, बहुत एनर्जी देने वाला है। हम लोग जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं इस पे चले जाएंगे। फायदा क्या है कि छोटे से मास से ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, मतलब हम लोग एक कमरा भर के अगर अपनी फिजिक्स की बुक को डिस्ट्रॉय तुम करना चाहते होगे ना ऐसा, अच्छा ठीक है चलो हिस्ट्री की बुक को डिस्ट्रॉय कर दें एक कमरा भर के, तो इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि हमारी जिंदगी भर की एनर्जी की सप्लाई से हो जाए। तो ये इसका फायदा है, ठीक है। तो ये बच्चों न्यूक्लियर फिजन की सारी बातें थी। न्यूक्लियर फिजन में एक बड़ा न्यूक्लियर टूट के दो छोटे न्यूक्लियर बनाता है, साथ में 3 नए न्यूट्रॉन देता है जो जाके और फिजन करते हैं, इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। चेन रिएक्शन कंट्रोल हो सकते हैं, अनकंट्रोल हो सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए तरीका क्या है? कंट्रोल लॉट लगाओ जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे, ज्यादा न्यूट्रॉन को जाने ना दे। जैसे 3-3 न्यूट्रॉन निकले उसमें से 2-2 को एब्जॉर्ब कर ले, 1-1 को जाने दे। और अनकंट्रोल क्या है? उनको एब्जॉर्ब मत होने दो, आगे जाने दो। तीनों को तो बहुत तेजी से रिएक्शन होगा, बहुत तेजी से रिएक्शन होगा तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगा तो एटम बम बन जाएगा, टेम्परेचर 10^7 केल्विन हो जाएगा, साथ में रेडियो एक्टिविटी होगा। और कंट्रोल करने का तरीका क्या है? कंट्रोल लॉट लगा लो जिससे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतनी बातें बच्चों हम लोगों ने कर ली न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में और काफी कुछ समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन बच्चों, फ्यूजन में क्या होता है ना, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। फ्यूजन, फ्यूज कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने आपको स्टेबिलिटी में दिखाया था कि ऐसी थी ना स्टेबिलिटी, ये लाइट वाले यहां पे क्या था? मास नंबर। और यहां क्या थी? स्टेबिलिटी। तो हमने आपको दिखाया था कि जो ये बहुत लाइट है ये भी अनस्टेबल है, तो लाइट लाइट कंबाइन करके बीच वाले में पहुंचना चाहते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। होता क्या है बच्चों, यहां से यहां जाते वक्त कुछ मास डिस्ट्रॉय हो जाता है, सम मास इज डिस्ट्रॉयड, एंड दिस मास अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो भैया होता क्या है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एक बड़ा न्यूक्लियाई। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। प्रॉब्लम क्या है बच्चों, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इस पे भी पॉजिटिव, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन पे होता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मतलब ये होना इतनी इजिली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो प्रोटॉन, दो न्यूक्लियस को आपस में चिपकाना बहुत छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज आपस में चिपकाना पॉसिबल नहीं है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की लिमिटेशन क्या है? इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? अप्रोक्सीमेटली 10^7 केल्विन। जो एटम बॉम्ब से टेम्परेचर बन रहा था उतने टेम्परेचर पे ये चीज होती है। तो इसकी प्रॉब्लम यही हो गई कि कैनॉट बी डन ऑन अर्थ। कैसे करें अर्थ पे? फ्यूजन करने का मतलब कि इन दोनों को जोड़ो और बड़ा न्यूक्लियस बनाओ। पर प्रॉब्लम क्या है? दो पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस आपस में जुड़ना नहीं चाहते, टूटना तो चाहते हैं जुड़ना नहीं चाहते, मतलब फ्यूजन तो हो सकता है। फ्यूजन करने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। इतने हाई टेम्परेचर पे इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये आपस में आके मिल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल प्रेशर। थर्मोडायनेमिक्स इसको आप पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स हीट का पार्ट है क्लास 11th में, इसको आप इंजीनियरिंग के पहले ये चीज नहीं पढ़ पाएंगे कि हुआ क्या ये, है ना? खैर एनीवेज, तो बात ये है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो सकता है, लो टेम्परेचर पे नहीं, बहुत हाई प्रेशर पे हो सकता है। खूब प्रेशर लगा दे इसके ऊपर, खूब प्रेशर लगाएंगे तो ये आपस में मिल सकते हैं। तो प्रेशर ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, वेरी हाई टेम्परेचर, या साथ में हम क्या लिख लें आपकी समझ के लिए, वेरी हाई प्रेशर, ठीक है? तो बाई हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ये हो सकता है, जनरली पॉसिबल नहीं है।
कैनॉट बी डन ऑन अर्थ, कैसे करें अर्थ पे, एटम बम फोड़ दो और तो कोई ऑप्शन नहीं, एटम बम फोड़ दो तब 10^7 केल्विन मिलेगा, तब करो। इसीलिए अभी तक इससे हम पावर प्लांट को यूज नहीं कर पाए, मतलब पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी इससे हम नहीं बना पाए हैं, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी इस प्रोसेस से हम जनरेट नहीं कर पाए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लियर एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं वो कहां से आई है, फिजन से कि फ्यूजन से, तो डेफिनेट आंसर है फिजन से, क्योंकि फिजन अर्थ पे होना पॉसिबल है, फ्यूजन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 10^7 केल्विन। तो अर्थ पे जो एनर्जी हम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जैसे पूछा न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फिजन से भी एनर्जी मिलती है, फ्यूजन से भी, देखो ना फ्यूजन में भी मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी बन रहा है, एनर्जी से मिल सकती है, पर ये होना पॉसिबल अर्थ पे नहीं है। तो पावर प्लांट पे फिजन होता है, तो ये कहां पे होता है बच्चों, ये होता है सन पे, सूरज पे। भाई सन का टेम्परेचर कितना है, 10^7 केल्विन, बहुत है, सन पे इतना टेम्परेचर है, सन पे छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं, इतनी बातें कर रहे हैं हम लोग, जब फिर से बोल रहा हूं जो एग्जांपल लूंगा उस रिएक्शन को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एच प्लस एच गिव हीलियम, तो यहां पे हमने हाइड्रोजन ले लिया 1-1 आइसोटोप ले लिया इसका 2-2 वाला, मतलब ड्यूटेरियम ले लिया, तो दो ड्यूटेरियम पे हमने बहुत प्रेशर लगाया, 1-1 मिलके बन गया 2-2 मिलके बन गया 4, क्या बन गया हीलियम। बुक्स में बहुत डिफरेंट रिएक्शंस दी हुई हैं, उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है यहां यहां जोड़ने पे ये आए, यहां यहां जोड़ने पे ये आए, तो आपकी रिएक्शन सही है। हुआ क्या होगा, यहां से यहां आते वक्त कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया होगा, कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया होगा, और ये मास किस फॉर्म में अपीयर होगा, इस तरफ, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। रिएक्टेंट का मास कम होगा, सॉरी रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का मास कम होगा, कुछ मास यहां से यहां गायब हो गया, किस फॉर्म में दिखेगा, एनर्जी के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। अच्छा इसकी कोई और रिएक्शन लिख के दिखाएं हम, छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़े बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इसी को 1-2 ड्यूटेरियम 1-2 और यहां हीलियम का दूसरा आइसोटोप लिख देता हूं मैं 2-3। अब आपको बताना है यहां क्या लिखे, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ये क्या है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इनका मास कितना है 2-2, ये क्या है हीलियम इनका मास कितना है 3, तो मास बढ़ गया, न्यूक्लियस बड़ा हो गया। अब यहां पे प्लस डैश लिखा है, तो इसको भरना है 2-2-4 यहां 3, तो यहां कितना होगा 1-1-1-2 यहां पे भी 2, तो यहां कितना होगा 0। ये ऊपर वाला इधर का जोड़ने पे बराबर आना चाहिए, आपको मैंने इतना लिख के दिया है, पूछा यहां पे क्या होगा, तो आप बोलो 2-2-4 यहां 3, तो यहां 1 लिख लिया 3-1-4, यहां 1-1-2 यहां पे 2, यहां कितना लिख लिया 0। ये कौन सी स्पीशी है जिसका 4-0 मास 1 न्यूट्रॉन। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि डैश कर दिया क्या निकलेगा, तो आप वहां पे सोचो 2-2-4-3 तो 3-1-4 1-1-2-2 तो यहां पे 0-0-1 4-0 मास 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। और कुछ मास डिस्ट्रॉय हुआ, किसमें चेंज हो गया, एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। जैसे सन पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, कुछ भी रिएक्शन याद नहीं करनी है, बस देखते जाइए। मान लीजिए 4 हाइड्रोजन के एटम है, आपस में कंबाइन करके बना लिए हीलियम, 4 हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन करके बना लिए हीलियम, तो बन गया हीलियम, यहां हो जाएगा कितना 4, यहां हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 4-1-4 बैलेंस्ड, 4-1-4 और ये कितना है 2। चार्ज हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के एटम कैसे होते हैं छोटे छोटे, मिलके क्या बना लिए हीलियम का एटम, तो 4-1-4 सही है। यहां पे भी नीचे भी 4 है, यहां नीचे कितना है 2, तो कुछ और निकालना पड़ेगा ना, 4 सही है 0, यहां 4 यहां 2, तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा 2। ऐसी कौन सी स्पीशी है जिसमें नीचे 2 ऊपर 0, नीचे 2 ऊपर 0, नीचे 2 ऊपर 0, नहीं यार ऐसी कोई स्पीशी नहीं है। तो ऐसा कर लें, ऐसी स्पीशी जहां यहां 1 और यहां पे 2 लिख लें, 2-1-2 और 0। ये बच्चों स्पीशी जिसका चार्ज +1 हो और जिसका मास 0, ये होती है पॉजिटिव बीटा, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। जैसे आपने नेगेटिव बीटा पढ़ रखा है -1-0, ये बीटा पार्टिकल होता है, या इसको आप इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है -1-0, व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रॉन। और कभी एग्जाम में ये लिख के आ जाए +1-0, तो इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इसको फिर से मिटा रहा हूं, अब देखो डैश 4-1-4 ऊपर 4 कितनी की जरूरत 0, 4-1-4 2, यहां कितने की जरूरत 2 की जरूरत, तो मैंने 1 लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया +1 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या है पॉजिट्रॉन, तो दो पॉजिट्रॉन निकल गए। तो ये आपको आना चाहिए बैलेंस करना, रिएक्शन याद नहीं करनी और निकलेगी क्या एनर्जी निकलेगी। अब मैं आपको ये सन पे रिएक्शन होता है, सन पे हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बना दिया जाता है और उससे एनर्जी मिलती जाती है। अब आपको हम एक क्रैकिंग पॉइंट बताते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन की जो एनर्जी होती है वो फिजन से ज्यादा होती है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो एनर्जी होती है वो फिजन रिएक्शन से ज्यादा होती है। एनर्जी की अगर बात करें, किसमें एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी फ्यूजन में फिजन से ज्यादा है अगर हमारे पास 1 ग्राम रिएक्टेंट हो, हमारे पास 1 ग्राम रिएक्टेंट हो, हमारे पास 1 ग्राम यूरेनियम है,
उससे फ्यूजन कर लो, एक ग्राम हाइड्रोजन है उससे फ्यूजन कर लो, किसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, फ्यूजन में। तो फ्यूजन एक अच्छा फ्यूचर प्रॉमिस करता है बिकॉज इट हैज मोर एनर्जी, बट प्रॉब्लम क्या है, इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, तो इसको अर्थ पे करना पॉसिबल नहीं है। चलिए इनके डिफरेंस डिस्कस करते हैं बिना बोर्ड पे लिखे, आपसे बातों बातों में एकदम आराम से, ठीक है, आप किताब उताब खोल के आराम से पढ़िएगा, हम आपसे बात करते हैं। चलिए फ्यूजन फिजन लिखी देते हैं ना, आप बोलोगे लिखा नहीं तो मजा नहीं आया, फ्यूजन फिजन आइए आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डिफरेंस का हो जाता है भैया इनकी डेफिनेशन। तो फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके बनेंगे बड़े बड़े, फ्यूजन फिजन में बड़ा सा न्यूक्लियाई टूट कर बनेगा छोटा छोटा। अच्छा डिफरेंस नंबर टू, इनकी एनर्जी पर ग्राम एक ग्राम पे क्या है, मोर, और इनकी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, लेस। तीसरा पॉइंट इनके लिए क्या चाहिए होता है, वेरी हाई टेम्परेचर, करीब करीब कितना, 10^7 केल्विन, इनके लिए क्या चाहिए होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। पॉइंट नंबर फोर, इनको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज नहीं कर सकते हैं, नॉट यूज्ड इन पावर प्लांट, इनके लिए यस दे आर यूज्ड इन पावर प्लांट। पॉइंट नंबर फाइव फ्यूजन के बारे में और, हाँ देखिए फ्यूजन किसका करते हैं, हाइड्रोजन वगैरह का, हीलियम वगैरह का, ये सब रेडियो एक्टिव नहीं होते, तो नो रेडियो एक्टिविटी, ये अच्छा ही है इसके साथ कि इसके साथ अल्फा बीटा गामा का इमिशन नहीं होता। हाइड्रोजन कहाँ अल्फा बीटा गामा इमिट करता है, हैवी न्यूक्लियस करते हैं तो अल्फा बीटा गामा नहीं निकल रहा है, तो अगर किसी दिन इसको हम अर्थ पे कर सके तो बेटर है। फिजन में क्या हो रहा था, ये फिजन हम अगर कर रहे थे यूरेनियम को लेके, तो उसमें क्या दिक्कत थी, अल्फा बीटा गामा निकल रहा था, यहाँ अल्फा बीटा गामा नहीं निकल, यहाँ पे यस रेडियो एक्टिविटी इज प्रेजेंट, जो कि इसके लिए एक प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है। और क्या डिफरेंस है फ्यूजन और फिजन में, और किस चीज की बात कर सकते हैं, फ्यूजन फिजन एक तो हो गया ऐसे ऐसे, एनर्जी पर ग्राम इसमें ज्यादा इसमें लेस, हाई टेम्परेचर पे ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉट यूज्ड इन पावर प्लांट, यस दे कैन बी यूज्ड, नो रेडियो एक्टिविटी, हियर इज रेडियो एक्टिविटी। इससे हम पावर प्लांट में एनर्जी बनाते हैं ना, फिजन रिएक्टर्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, फिजन रिएक्टर्स, ठीक है। भारत में 6 स्टेट में लग चुके हैं ये फिजन रिएक्टर्स, ठीक है, फ्रांस इसमें बहुत आगे है, जर्मनी इसमें बहुत आगे है, फिजन रिएक्टर्स खूब लगा लिए लोगों ने, उन्होंने ऐसे फ्यूल ढूंढ लिए ना जो फ्यूल एक बार एनर्जी बना के वापस फ्यूल बनाते हैं, उनको ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, अभी इंडिया के पास ब्रीडर रिएक्टर नहीं आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, और क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस बच्चों एक बॉम्ब का है, बॉम्ब का डिफरेंस समझाते हैं आराम से। मान लो बच्चों हम यूरेनियम का फिजन कराएं अनकंट्रोल्ड, 3 न्यूट्रॉन से फिजन 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 कराते जाए अनकंट्रोल्ड, बहुत एनर्जी बनेगी, उसको बोलते हैं एटम बॉम्ब। जब फिजन से खुद ढेर सारी एनर्जी, न्यूट्रॉन निकले, एनर्जी बने, उसको बोलते हैं एटम बॉम्ब। अगर हम हाइड्रोजन को फ्यूज करा के एनर्जी निकाले, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जैसे सन पे निकलती है, तो जो फ्यूजन से बॉम्ब बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, है ना। तो ये एक डिफरेंस हो गया, फ्यूजन वाला जो बॉम्ब बनता है वो बनता है हाइड्रोजन बॉम्ब, सुना होगा ना, है ना। कोरिया वाले बहुत क्लेम करते हैं कि हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया, कई बार पाकिस्तान भी क्लेम करता है, इंडिया भी इवन क्लेम कर रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, ऑस्ट्रेलिया के यूएसए के पास ऑलरेडी है। फिजन के जो बॉम्ब बनते हैं उनको बोलते हैं एटम बॉम्ब। अच्छा आप बताइए कौन ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, हाइड्रोजन बॉम्ब की एटम बॉम्ब, भाई एनर्जी रिलीज पर ग्राम इज मोर इन फ्यूजन, तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर डिस्ट्रक्टिव, दिस इज लेस डिस्ट्रक्टिव। अच्छा हाइड्रोजन बॉम्ब को स्टार्ट करने के लिए, इसको टिगर बोलते हैं ना, टिगर करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, 10^7 केल्विन। कैसे करेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब, अर्थ पे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो मैंने बताया था एटम बॉम्ब फोड़ दो, एटम बॉम्ब फोड़ोगे 10^7 केल्विन टेम्परेचर मिलेगा, उससे हाइड्रोजन बॉम्ब काम करना स्टार्ट करेगा। दो हाइड्रोजन कब फ्यूज करेंगे, जब बहुत हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर करने के लिए एटम बॉम्ब फोड़ दो, एटम बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन डालो, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन जाके फिर फ्यूजन। मैं आपको बॉम्ब बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कैसे दोनों बॉम्ब फॉर्म होते हैं, तो ये डिफरेंस बोर्ड में देख सकते हैं। तो बच्चों ये डिफरेंस था फ्यूजन और फ्यूजन में, और सारा प्रोसेस को आप रिवाइंड करके देखिए, मैंने फुल स्पीड में कोशिश की वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो रहा था ये, और बहुत दिन से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी। डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अब एक कमेंट जरूर करिएगा कि मेटलर्जी का वीडियो कब आ रहा है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेटलर्जी का वीडियो जल्द से जल्द बनाऊँ। उसमें भी दिक्कत यही कि लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है, अभी मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वीडियो बनाऊंगा, और बैलेंस करने की एक और ट्रिक बताऊंगा, और सॉल्ट्स की वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।